क्या सवाल है सर? गुड मॉर्निंग. मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे पास इंडिया बुल्स रियल एस्टेट है 122 पे 2000 शेयर, और सर काफी लंबे टाइम से है ये कभी वन, मैंने इसको 190 भी देखा है और 40 रुपीज भी देखा है. अब इसका एग्जिट करूँ या होल्ड रखूँ? ये बताओ, जब 190 गया था तो क्यों नहीं बेचा था? सर मैंने तो यही सोचा था कि ये बढ़ने वाला है, इसीलिए लिया था. अच्छा, मन में क्या लक्ष्य रखा है, इसको कहाँ तक जाएगा? एक जीरो लगेगा क्या? मैं सोच रहा हूँ ऐसे इन्वेस्टमेंट पार्टी लिया था मैंने, मतलब मेरा सेल आउट करने का कोई इरादा था नहीं इसमें. अभी अब है क्या? चार पांच साल से कुछ था सर, कुछ हो ही नहीं रहा, कोई रिटर्न ही नहीं दे रहा है इसलिए. हाँ, अभी भी नुकसान ही कर रहे हैं. राजा जी क्या कह जाए भाई, तो इनको तो 2 साल होल्ड करे हुए हो गए इंडिया बुल्स रियल में, अब तो मतलब ये बने हुए हैं, मैनेजमेंट चेंज हो गया है, क्या करें? देखिए नीरज जी, देखिए इनका कन्वेक्शन मैनेजमेंट से ज्यादा है, ऐसा कह सकते हैं. नहीं, जोक्स अपार्ट. देखिए मुझे लगता है कि अगर आप इंडिया बुल्स रियल एस्टेट की बात करें, तो मैं आई एम बीइंग अ टेक्निकल एनालिस्ट, मैं ये देखता हूँ कि मैं सामने गोदरेज प्रॉपर्टीज को रखता हूँ, मैं प्रेस्टीज को रखता हूँ, मैं सुबा को रखता हूँ, मैं डीएलएफ को रखता हूँ, और बाद में मैं इंडिया बुल्स रियल एस्टेट को भी रखता हूँ. तो मुझे मेरे हिसाब से ये एक थीम है, ये एक सेक्टर है. तो अगर ये सब चलते हैं तो उसके सामने ये इतना नहीं चला, तो दैट मीन्स कुछ ना कुछ तो है. तो चार्टिकली मैं यही कहूंगा कि 100 यानी 100-105 के आसपास का इसका सपोर्ट बन रहा है. लेकिन सामने नीरज जी, जब तक ये 125 का लेवल पार नहीं करेगा, तब तक इसमें बड़ी रैली नहीं आएगी. 125 पार करेगा तो ही जाके ये 145-150 के ऊपर चला जाएगा, यानी 25-30 रुपए का मूव. लेकिन चूंकि सामने हम लोग कहीं ना कहीं, हम लोग निफ्टी में जो व्यू थोड़ा बेरिश लेके चल रहे हैं, मिड कैप में बीटिंग ज्यादा हो रही है, तो उतना कन्विक्शन नहीं है कि ये इसको मैं होल्ड रखूं. तो मेरे हिसाब से दिस इज एन एग्जिट. एग्जिट क्या है? देखिए इसमें अतुल जी ये ध्यान हमेशा रखिए किसी भी स्टॉक में, कि या तो आपको बहुत पक्की जानकारी हो कि कंपनी में क्या हो रहा है, तब इतना लंबा समय रुके, अदरवाइज फिर वेट करने का फ़ायदा नहीं. 2-3 साल से इन द मनी भी नहीं है आप, तो फिर होल्ड करके कोई फ़ायदा नहीं है, फिर तो निकल जाना चाहिए इसमें से. तो एग्ज़िट कर लीजिएगा इसमें से. अगला सवाल है ज्ञान का, लखनऊ से. ज्ञान बताइए क्या सवाल है. सर मेरा, मैंने ये खरीदा था, सॉरी मुकुल फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस. हाँ मुथूट फाइनेंस खरीदा था, 291 में मैंने खरीदा था, 291 में. और जो कि मुथूट फाइनेंस 291 में खरीदा था सर? जी हाँ, 291. मुथूट माइक्रो होगा जी, मुथूट माइक्रो फाइनेंस. अरे दोनों अलग अलग भाई, एक 1300 रुपए का स्टॉक है. मुथूट माइक्रो फाइनेंस 291 में खरीदा था 51 शेयर, जो कि अभी 199 हो गया है. तो मैं क्या करूं? ये मेरे ख्याल में रीसेंट लिस्टिंग है. आईपीओ में मैंने खरीदा था. हाँ वही ना, रीसेंट लिस्टिंग है, और ये लिस्टिंग के बाद वाला दिन याद करो आप, एक भी दिन ऐसा नहीं था उसने लिस्टिंग के ऊपर भाव दिखाया हो. वहाँ से लगातार लगातार मेरे सामने चार्ट खुला, गिरते 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 अभी एकदम लो पे चल रहा है. राजेश जी मौका इन्होंने कैसा मौका लिया, अच्छा मौका लिया, बुरा मौका लिया? नीरज जी मुझे चार्ट पे उतना ये कन्विक्शन नहीं लगता है, टू बी वेरी फ्रैंक. हालांकि आपने बिल्कुल सही कहा, रिसेंट लिस्टिंग है तो ज्यादा डेटा नहीं है. मुझे लगता है ये पक रहा है, अभी इसमें बहुत टाइम है कि हम चार्टिकली इसको बोले कि नहीं यही होगा वही होगा. आई थिंक इट्स टाइम. लेकिन चार्ट जो है, अगर आप डेली चार्ट देखें, जहां पे आपको थोड़ा सा एक मूव मिलता है, मेरे हिसाब से अगर डेली चार्ट देखें तो 195 टू 200 ये इसका एक जोन बन के उभर आ रहा है. अभी इसमें आप कह सकते हैं कंफर्मेशन नहीं है चार्ट पे, लेकिन जोन तो दिख रहा है कि इस लेवल के आसपास अगर ये सेटल होता है तो प्रोबेबली यहां से एक पुल बैक मिलना चाहिए करीबन 220 से लेकर 230 तक. तो इतना मैं कह सकता हूँ कि अगर उन्होंने पोजिशन ली है और इन्होंने इतना पेन देखा है, तो एक स्टॉप लॉस 190 का रखे, और जैसे ही पुल बैक मिले, जैसे मैंने कहा 220-230, उस पुल बैक में आप निकल जाइए. क्योंकि काउंटर में चार्ट पे मुझे कहीं इतना कन्विक्शन नहीं मिलता कि मैं इसमें बाय करूं, मैं कॉन्ट्रा बाय करूं, होल्ड करूं. छोटा है ना? हाँ बहुत छोटा है, वॉल्यूम्स भी बहुत कम है. ओके, डेटा छोटा है, वॉल्यूम कम है, रिसेंट लिस्टिंग है, और लिस्टिंग के बाद से आज तक ये गिर ही रहा है. तो स्टॉप लॉस लगाइए 190 पर, और ऊपर जाए तो निकल जाइए. बने रहने में कोई अभी फिलहाल इसमें लाभ नहीं देखने को मिल रहा है. इस बीच प्रवीण प्रजापति जी एकदम उत्साहित हैं बीएससी खरीदने के लिए. बीएससी का मतलब स्टॉक, नॉट एक्सचेंज. तो एंट्री ले सकते हैं क्या अभी करंट प्राइस पे? लेकिन उन्होंने अगर स्विंग ट्रेड लेना है तो फिर बात अलग है.
लेकिन पोजिशनली मैं तो डेफिनेटली कहूंगा नहीं, वेट करें, क्योंकि मुझे लगता है बीएससी में एक करेक्शन अभी भी चालू है। मंथली चार्ट उतना कन्विंसिंग नहीं है, इनफैक्ट वीकली चार्ट पे अभी भी लगता है कि ये 2200-2250 के नीचे वीकनेस आएगी, और करीबन करीबन आप कह सकते हैं कि 1800 इसका पहला टारगेट होगा, लेकिन वर्स्ट केस में ये 1500 भी टूट सकता है। तो चार्ट जो है लॉन्ग टर्म, उसमें तो प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है। रही बात स्विंग ट्रेडिंग की, तो जब तक ये 2180 का लेवल नहीं निकालेगा तब तक इसमें बड़ी तेजी नहीं होगी, तो मैं तो इसको अवॉइड करूंगा। सुप्रीम इंडस्ट्री खरीदेंगे आप? हाँ सॉरी, सुप्रीम इंडस्ट्रीज, सुप्रीम एट दिस लेवल? नीरज जी हाँ, स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से देखिए, मेरे हिसाब से अगर आपको स्विंग ट्रेड लेना है तो 3850 ये इसका 200 डीएमआ है, और हमने देखा पिछले एक महीने से इस लेवल पे बुल एंड बेयर की फाइट है, तो ये 3800 के ऊपर इसमें बाय बनता है। सामने इसका टारगेट बनेगा 4200, 4200 निकले तो फिर लगता है नीरज जी ये 4600 भी जा सकता है। काउंटर बड़ा है, लिक्विड कम रहता है, तो अगर स्विंग आता है तो बड़े बड़े स्विंग आता है। तो अगर आपको पोजीशन लेनी है तो 3800 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें और ट्रेड करें। कितने दिन में आएगा ये? ये देखिए प्रोजेक्शन जो होता है वो ब्रेकआउट के बाद बनता है, क्योंकि ब्रेकआउट के बाद नीरज जी हम लोग उसको फिबोनाकी के हिसाब से प्रोजेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल ब्रेकआउट नहीं आया है, ब्रेकआउट 4200 का अगर आता है तो फिर अगले आप कह सकते हैं 10 दिन के अंदर ही ये 4600 तक जाएगा। तो व्हाट वी नीड इज अ ब्रेकआउट एट 4200, और वो ब्रेकआउट कब आएगा ये प्रेडिक्ट आप चार्ट पे नहीं कर पाओगे। फिबोनाची एक गाने में यूज हुआ है। फिबोनाची वर्ड को गाने में यूज किया गया है। कौन सा? मेलबर्न की मछली वाला गाना जो है ना उसमें। अच्छा ये बताओ बीएचईएल में क्या करेंगे आप इस समय? 235 पे चल रहा है, 4.5% ऊपर है, भारी वॉल्यूम के साथ बीएचईएल। आई थिंक नीरज जी ये थोड़ा सा ट्रेडर का फेवरेट ही बन चुका है, और इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इनफैक्ट मुझे याद है हमने परसों सास बहु किया था लास्ट वीक, तब भी किसी ने 220 पे इसका क्या मैं बाय कर सकता हूँ ऐसा पूछा था, तभी मैंने यही कहा था कि ये बाय है। जब तक ये 210-220 का लेवल इंटैक्ट है तब तक इसमें दिक्कत वाली बात नहीं। रही बात आज की, तो देखिए मेरे हिसाब से आज इसकी अपने इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर ट्रेड करा है, जो है करीबन क्लस्टर आप कह सकते हैं 228 से लेके 232। तो ये 232 के ऊपर इसमें बाय थोड़ा सा स्ट्रांग बनता है। आज एलएनटी भी चल रहा है, एबीबी भी चलता है, तो आज के लिए मैं यही कहूंगा भेल में एक स्विंग मिलना चाहिए 250 से लेके 260 तक। प्रोबेबली आज मिलेगा कल मिलेगा वो बात जुदा है, लेकिन 230 के ऊपर आप मेडियन पकड़ो, 230 के ऊपर भेल बाय रहेगा, ₹5 का स्टॉप लॉस, सामने 250-260 का टारगेट स्विंग का। ओके, 230 के ऊपर बीएचईएल में बाय करके चल सकते हैं। आज चूंकि मूड माहौल रिकवरी वाला है पीएसयूज में, इसलिए सब बड़ी तेजी दिख रही है। राजीव जी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए, मदद करने के लिए, और मार्केट में स्ट्रेंथ बनी हुई है।